आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष आंवला नवमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी के दिन किया जाने वाला दान पुण्य अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय नवमी देव उठनी एकादशी से 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर संतान की प्राप्ति व उनकी रक्षा के लिए पूजा करती हैं। यदि संभव हो तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें, इससे पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। यदि आपके आसपास आंवले का पेड़ ना हो तो तुलसी के पौधे की जड़ में बिल्व पत्र रखकर तथा कुछ आंवले रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान किया था तथा कंस का वध करके अपने माता पिता को छुड़ाया था, इसलिए इस दिन भक्तजन मथुरा से वृंदावन तक की परिक्रमा भी करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई, तब माँ लक्ष्मी के मन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बिल्व पत्र भगवान शिव को प्रिय हैं। उन्होंने आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव जी का प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा की। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। तब महालक्ष्मी जी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन परोसा और उसके बाद स्वयं भोजन किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आइए अब शुरू करते हैं आंवला नवमी की कथा। प्राचीन समय में एक राजा था। उसने प्रण ले रखा था कि वह प्रतिदिन 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इसी वजह से राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा राजकोष खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि पिताजी, इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में चले गए। उस दिन राजा रानी आंवले दान नहीं कर पाए और प्रण के अनुसार दोनों ने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे उन दोनों को 7 दिन बीत गए, तब भगवान श्री हरि ने सोचा कि यदि मैंने इनके प्रण का मान नहीं रखा तो इनका विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी दोनों उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। वह सब देखकर राजा ने रानी से कहा, रानी देख, कहते हैं कि सत को मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने तथा माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बुरे दिन शुरू हो गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया तथा वह दाने दाने को मोहताज हो गए। एक दिन काम ढूंढते हुए दोनों पति पत्नी अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि राजा ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। दूसरी ओर बेटे बहू भी यह सोच नहीं पाए कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी
अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल बनाते समय उनकी पीठ पर एक निशान देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू और ज्यादा रोने लगी और उसके आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। तब रानी ने पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने अपनी बहू को पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। उसके बाद रानी ने बहू के आंसू पोंछे और उसे समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि और अधिक बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा, वैसे ही सबका सत रखना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब शुरू करते हैं आंवला नवमी की दूसरी कथा। प्राचीन समय में काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा, दानी तथा निसंतान एक व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। निसंतान होने के कारण दोनों पति पत्नी दिनों दिन कातर तथा मलिन हो रहे थे। कुछ समय बाद व्यापारी की पत्नी को एक स्त्री ने कहा, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से कर दो तो तुम्हारी पुत्र कामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जब यह बात व्यापारी को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, लेकिन व्यापारी की पत्नी अपनी सखी की कही हुई बात को नहीं भूली और वह मौके की तलाश करती रही। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने एक छोटी लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं में गिरा दिया और उसकी बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम बहुत ही उल्टा हुआ। लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा व्यापारी की पत्नी को सताने लगी। ऐसी परेशानी देखकर व्यापारी ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तब उसकी पत्नी ने अपने द्वारा किया हुआ दुष्कर्म व्यापारी को बता दिया। सारी बात सुनकर व्यापारी ने अपनी पत्नी को हत्यारिन, पापिन आदि शब्दों से काफी मर्माहत किया तथा बताया कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वालों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान कर और पूजा कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। व्यापारी की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ऐसा ही किया। वह गंगा के किनारे पर रहने लगी। उसे गंगा किनारे पर रहते हुए तथा पूजा आराधना करते हुए थोड़े ही दिन बीते थे कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप धारण करके वहां पर आई और व्यापारी की पत्नी से कहने लगी, हे दुखिया, तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी का व्रत करना तथा आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसका पूजन करना। यह व्रत करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा। घर आकर उसने अपने पति को वह सब बात बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत आंवला नवमी का पूजन किया और व्रत किया। व्रत के प्रभाव से व्यापारी की पत्नी दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे संतान की प्राप्ति हुई। वह इस जन्म में सारे सुख भोग कर अगले जन्म में गोलोक को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंवला नवमी की दूसरी कथा पूर्ण हुई। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर महिलाओं को आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए। उसके बाद
पेड़ के आसपास की सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ पानी चढ़ाएं। यदि संभव हो तो आंवला वृक्ष के आसपास गाय के गोबर से लीप दें, फिर पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएं और पूजा की सामग्री से पेड़ की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली से 11 अथवा 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। पूजा के बाद पेड़ के नीचे बैठकर अपने परिवार तथा मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन से ही सतयुग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस दिन को सतयुग गाड़ी भी कहा जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय, जय आंवला देवता।